एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं जानता हूँ पिछले काफ़ी टाइम से रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग यार बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बताता हूँ, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, डेली रूटीन ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जो अभी तक की इस चैनल की मेरी सबसे ज़्यादा वॉच्ड वीडियोज़ बन गई है। उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और उसकी वजह से मेरा चैनल काफ़ी ठीक ठाक ग्रो कर गया है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एटलीस्ट इतना तो ग्रो कर ही गया है। सो, उस वीडियो में मैंने आपको अपना डेली रूटीन दिखाया था, सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का डेली रूटीन। लेकिन उसमें हम अपनी क्लासरूम ट्रेनिंग में थे, अपनी फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग में। और अभी जो हमारा फेज चल रहा है वो चल रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। सो, इस वीडियो में मैं आपको अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला पूरा का पूरा रूटीन दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद उठते ही मैं सबसे पहले एक मील कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद बैंक में जाने के लिए रेडी होना होता है, तो मैं अपने सारे कपड़े वगैरह निकालता हूँ। सो, ये मैंने शर्ट निकाल ली, पैंट निकाल ली, सॉक्स, बेल्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने एक और पॉलीथीन में अपने कुछ और कपड़े रख लिए। अब ये मैं क्यों रख रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सो, डेली रूटीन का काम निपटाने के बाद अब मैं हो रहा हूँ रेडी। और अभी मैं हूँ किचन में, अपना टिफ़िन रेडी कर रहा हूँ। सो, ये हो गया हमारा लंच बॉक्स, टिफ़िन रेडी। अब करते हैं अपना बैग पैक। सबसे पहले मैंने अपने ये कैजुअल कपड़े रखे, उसके बाद ये अपना सप्लीमेंट रखा, उसके बाद अपना टिफ़िन बॉक्स लगाया, फिर ये मेरी वाटर बोतल, और अपने स्पेक्स वाले केस को रख के बैग पैक करके अब हम चलते हैं बैंक में। सो, बैंक जाने के लिए मुझे पहले घर से मैं पैदल निकलता हूँ, फिर रास्ते में मुझे ऑटो पकड़ना होता है, क्योंकि मेरी जो ब्रांच है वो मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ऑटो से उतर के फिर मेरे को थोड़ा सा और 100 या 200 मीटर चलना होता है अपनी ब्रांच तक पहुंचने के लिए। और ये आ गई है हमारी ब्रांच। ब्रांच में जाने के बाद सबसे पहला काम होता है अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगाना, और फिर अपना पीसी ऑन करके उसमें अपना CBS कोड के साथ अपना लॉगिन करना। उसके बाद मैं अपना कोड लॉगिन करके CBS में सबसे पहले एक और मील लेता हूँ, ये मेरा सेकेंड ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद कस्टमर्स आने जाने स्टार्ट हो जाते हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारी किस तरह से शेड्यूल की गई है। सबसे पहले आपको मालूम है हमारी एक क्लासरूम ट्रेनिंग हुई थी, उसको इंडक्शन प्रोग्राम भी बोला था। उसके बाद हम अभी अपने फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर हैं, जिसमें हमारे 3 फेजेज हैं। एक हमको अर्बन ब्रांच में काम करना है, अर्बन या फिर मेट्रो, जोन से भी अप्लीकेबल होगी जिसके लिए। उसके बाद हमको ये इसकी ड्यूरेशन करीब 12 वीक्स है। उसके बाद 3 वीक्स के लिए हमको CPAC या फिर अपने अपने रेस्पेक्टेड रीजनल ऑफिसेज में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रहना है। और उसके बाद 3 वीक्स के लिए एक रूरल पोस्टिंग में भी हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी आ जाएगी सेकेंड क्लासरूम ट्रेनिंग, जिसमें हमारी क्रेडिट फोकस्ड को लेके हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर से हमें कुछ वीक्स के लिए एक क्रेडिट फोकस्ड ब्रांच में रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें एक फोरेक्स ब्रांच में रहना पड़ेगा, जिसमें जिनको हम बी कैटेगरी ब्रांचेस बोलते हैं, उनकी ड्यूरेशन 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स के आसपास वो है दोनों। फिर उसके बाद हमारी एक और क्लासरूम ट्रेनिंग है, जो कि 1 वीक के आसपास है। उसके बाद हमारी एक थोड़ी सी लॉन्ग ऑन द जॉब पोस्टिंग है, जिसमें हमें 50 वीक्स के लिए एक रूरल पोस्टिंग मिलेगी, रूरल या फिर सेमी अर्बन। उसके बाद फिर से हमारा 2 वीक्स के आसपास का एक रिफ्रेशर प्रोग्राम होने वाला है, जो कि ट्रेनिंग कॉलेजेस में ही होगा। और फिर उसके बाद हमको जाकर एक परमानेंट पोस्टिंग मिलेगी कहीं पर जाके। सो, ये 2 साल का हमारे प्रोबेशन पीरियड का पूरा शेड्यूल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में करते क्या हैं। अगर मैं आपको अपने एक दिन का काम बताऊँ, मैंने लिखा हुआ था कि एक दिन मैंने क्या क्या किया। सो, उस दिन मैंने चेकबुक्स इशू की, NEFT RTGS की। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी होम ब्रांच कहीं पर और होती है, लेकिन वो हमारे ब्रांच में उनको ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव की। अकाउंट्स में नॉमिनीज ऐड किए। उसके अलावा एक RD वाला अकाउंट जो कि मैच्योर हो गया था, उसको क्लोज़ किया। बाकी बहुत सारे लोग कैश विड्रॉ करने आते हैं बैंक से, कुछ लोग विड्रॉल स्लिप से विड्रॉ करते हैं, कुछ लोग चेक से विड्रॉ करते हैं। तो जो चेक से विड्रॉ करते हैं उनको क्यू इशू मैं करता हूँ, फिर जो हमारे कैशियर्स भैया होते हैं वो उसको पास करके कैश देते हैं।
उसके बाद अकाउंट्स में फ़ोन नंबर चेंज करना, इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव करना, अकाउंट में नेम चेंज करना। एक काम मैंने पहली बार किया था जो कुछ लोग अपने लोन वाले अकाउंट्स में जो अपनी रीपेमेंट करते हैं ईएमआईज की, वो चेक के थ्रू करते हैं, तो उसके लिए बैच बनाना पड़ता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम किया था एक बार। उसके अलावा मैंने एक लोन अकाउंट का भी क्लोजर किया जिसकी फाइनल ईएमआई आ चुकी थी, उसके लिए हमको क्रेडिट वाउचर्स बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे काम होते हैं बैंक में, ये कुछ एक पर्टिकुलर दिन में मैंने ऐसे क्या क्या काम किए, इस तरह से हमको दिन भर काम में लगे रहना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों की ईकेवाईसी करना, लोगों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराना। उसके बाद हमारा हो जाता है लंच टाइम, लंच टाइम के बाद हम फिर से काम में लग जाते हैं। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड मुझे लेने आता है बैंक पर, और हम सब लोग साथ में जाते हैं जिम में। सो हम लोग चार दोस्त हैं जो कि एक साथ जिम में जाते हैं। पहले मैंने जिम कहीं और ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन फिर मैंने फ्रेंड्स के साथ ही कर लिया इसी वाले जिम में। तो ये हमारे जिम का सीन है जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं। It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. अब जिस दिन की वीडियोस मैंने ये रिकॉर्ड की हुई है, उस दिन बाय चांस टीचर्स डे भी था, तो हम अम्बुज सर के साथ उनके घर पे गए टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। उस दिन हमारे साथ रोहन और मनोज तो नहीं थे जिम में, लेकिन फिर उन्होंने बाद में हमको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग जिम करके बस फिर घर पे आ जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे छोड़ देते हैं घर पे। सो इस तरह से मेरा अभी शेड्यूल चल रहा है। आई नो थोड़ा बहुत हेक्टिक है, इसलिए मैं वीडियोस के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था, हालांकि उसके पीछे और भी वजहें थी। सो अब मैं कोशिश किया करूँगा कि एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो ज़रूर आ जाए। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।